और मेरे को कोई फ्लावर्स नहीं दिए कि मेरे लिए कुछ बनाया नहीं। जब मेहरबानी नए नए जब रिलेशनशिप में आए थे ना तो भाई शिट यार अपने को फेवरेट नंबर नहीं मिला। वो देखो M2 लेके बैठी है वो। हम कौन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन नहीं है। तो भाई अब हम लोग आपको बताते हैं ठीक है वैलेंटाइन हमारा खराब कैसे हुआ। मैंने ना वेरी गुड मॉर्निंग एंड हर का चैनल तो भाई सिडनी से आया हुआ एक दिन हो गया है ठीक है। कल मेरे को बड़ी तबीयत मेरी खराब सी हो गई थी। सिडनी में बहुत ज्यादा गर्मी थी और मेलबर्न में बहुत ठंड थी। मतलब बहुत तो क्या नॉर्मली जैसे मेलबर्न होता है वैसे थी, पर मेरी बॉडी ना टेम्परेचर अडेप्ट नहीं कर पाई तो मैं थोड़ा सा बीमार सा हो गया था कल। बट ठीक है गला वगैरह बहुत दर्द हो रहा था। आज भी आज हल्का है और आज है हैप्पी वैलेंटाइंस डे ठीक है। तो सारे कपल्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे और जो सिंगल है भाई उनको भी काश नेक्स्ट ईयर तक भाई आप लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए, जिसकी गर्लफ्रेंड जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड बन जाए ऐसे। बाकी जब सबकी इच्छा है ठीक है सबकी इच्छा है भाई रिलेशनशिप में आना नहीं आना सबकी मर्जी है ठीक है। जैसा आप लोगों को ठीक लगे ठीक ठीक लगा लेना। तो अभी सुबह सुबह के हो रहे हैं 8:30 एंड वैलेंटाइन डे पे लोग क्या करते हैं प्यार करते हैं सुबह सुबह उठ के कडल करते हैं भाई। वानी काम पे चलेगी सुबह सुबह ठीक है 6:30 बजे और मैं जा रहा हूँ जिम। वानी इज गोना कम बैक एट 2:30 और मेरे वैलेंटाइन डे के क्या प्लान है आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जब तक ठीक है सब्सक्राइब कर दो नीचे जब तक मैं जिम जा रहा हूँ भाई। बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है सुबह सुबह वैलेंटाइन डे वाले दिन। ऑस्ट्रेलिया में इतना कुछ है नहीं ठीक है। सुबह सुबह की प्यार का दिन है आज से छुट्टी। आज मतलब छुट्टी तो होती नहीं कहीं पे भी बट प्यार का दिन है आज है ना ऐसे वैसे कडल्स का दिन है आज। बट यहाँ लग रहा तगड़ा जाम। ये जो पूरी आप रोड देख रहे हो ना ये पीछे पूरी जाम थी। और मेरे को लग रहा है मैं गलत टाइम पे जिम आ गया। मैं यूजुअली अपना जिम ना सुबह सुबह 7 बजे कर लेता हूँ नहीं तो 9 बजे से डिपेंड करता है ठीक है आलस पे मेरे। तो आज मैं बिल्कुल गलत टाइम पे आ गया ऑफिस आवर्स है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रखा है पूरे रास्ते। तब से गाड़ी फर्स्ट गियर और सेकंड में ही चल रही है। तो ये आप लोग आंटी देख रहे हो ये वेस्ट पहनी हुई है। तो जब यहाँ पे स्कूल जोन होता है ना 8 to 9:30 और 2:30 to 4 मतलब जब स्कूल स्टार्ट होता है और जब खत्म होता है तो ऐसी आंटी और ऐसे अंकल ना ऐसे मतलब जिस जिसकी भी जॉब है वो पेडिस्ट्रियंस वो लोग ना पेडिस्ट्रियंस पे ऐसे आ जाते हैं और बच्चों को और जो भी लोगों को रोड क्रॉस करनी है उनकी हेल्प करते हैं ठीक है। मतलब कि जैसे वो बीच में आए थे और वो ऐसे मतलब आना जाने का वजह समझ रहे हो ना कि भाई उन लोगों की हेल्प हो जाए इस चीज को लेकर कि भाई वो सेफली रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है उससे ये होता है कि भाई एक तो एक्स्ट्रा सेफ्टी हो जाती है बच्चों के लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना यहाँ पे बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करती है भाई। अगर आप लोगों ने गलती से किसी बच्चे को उड़ा दिया ना तो भाई खतरनाक जेल हो जाएगी प्लस डिपोर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसलिए लोगों की गाड़ियों में यहाँ पे डैश कैम भी होते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे इफ यू आर राइट मतलब अगर बच्चा रोड पे भागता हुआ आ रहा है तो आपको स्लो तो करना ही है ठीक है। मतलब बिल्कुल स्लो कर देनी है कि सेफ था कि नहीं रुकना वो भी चेक होता है आपके लिए। मतलब काफी सारी चीजें होती है मैं कैसे भी एक साथ समझाऊं बट ये है कि बच्चे और किसी को भी नहीं उड़ाना है यहाँ पे ठीक है। रूल्स बिल्कुल फॉलो करने गुड बॉय की तरह और गुड गर्ल की तरह और बाकी ऐश करो। पेट्रोल पंप आ गया अपन भाई पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है आजकल। देखो कितने का भरा है $87 ओह माय गॉड। सुबह सुबह खर्चे कौन कहता है ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन नहीं है। इतना जाम लगा हुआ है सुबह सुबह 3 किलोमीटर ट्रैवल करने में मेरे को आधा घंटा लग गया जिम आने में सुबह सुबह। वहीं बहुत ज्यादा आलस आ गया बैठे बैठे नींद आ रही थी गाड़ी में। कॉफी शॉट काम कर रहा अभी आ गई वापस एनर्जी। आई एम एनर्जेटिक अगेन। वैलेंटाइन डे वाले दिन सारे हो ही जाते हैं एनर्जेटिक। भाई मस्त लेग्स हो गई है और भाई I-30 से उस पे कब जंप करेंगे पता ही नहीं भाई। क्या सेक्सी गाड़ी है मैट पता नहीं कौन सा है बट मेरे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट लग रहा है कलर। तो भाई शिट यार अपने को फेवरेट नंबर नहीं मिला। वो देखो M2 लेके बैठी है वो M2 है पता नहीं कौन सी है 69 उसका 68 मिला अपने को शिट मैन। तो भाई फाइनली हम लोगों को एक रेस्टोरेंट मिला ठीक है। क्या स्टोरी है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। थोड़ा सा हम दोनों सैड हो गए हैं बट ठीक है वी गॉट अ चांस मतलब शायद से मिल जाएगा टू हैव वन ऑफ द बेस्ट थाई फूड हियर इन ऑस्ट्रेलिया है ना। बेस्ट थाई फूड इन बेस्ट ये नंबर 1 है। हां ये मतलब ये 138 जब मेहरबानी नए नए जब रिलेशनशिप में आए थे ना फर्स्ट डे जब मिले थे मेरे को थाई पसंद था तो मैंने बोला मेरे को थाई खाना। जब इसने बोला ना कि मेरे को थाई पसंद है मैंने कहा मेरे को भी थाई पसंद है जबकि मैंने खाया नहीं था इंप्रेस कर रहा था मैं इसको। तो ठीक है तो जो भी हमारी लव स्टोरी ठीक है आगे बताएंगे बट आज की इस वीडियो में अभी हम लोग जा रहे हैं 138 जो मैंने प्लान किया था वो कैंसिल हो गया। क्या प्लान किया था खाना आगे बताता हूँ। बहुत तेज भूख लग रही है और अभी हो गया 9:24। ये बंदे ने पार्किंग की टिकट डाल दी और इसका खुल गया पैदल आने के लिए इसको बैरियर चाहिए। फ्लावर्स देखो लेके जाते हैं भाई फ्लावर्स वगैरह का भी जो भी सीन है ना मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। मैं बड़ा सैड हो गया हूँ आज।
वो बोलते हैं ना कि ऐसे प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए तो फिर बिजनेस अपने आप चल जाता है। तो इन्होंने देखो कुछ फैंसी नहीं कर रखा, कुछ नहीं, बट इनकी रेटिंग है नंबर वन थाई रेस्टोरेंट इन मेलबर्न। तो जब भी आप डालोगे कि थाई फूड इन मेलबर्न तो यही आएगा। भाई इतनी लाइन होती है, ये तो आज है नहीं, पता नहीं, ये तो टाइम बंद होने वाला है ना भाई। इस रेस्टोरेंट में बाहर तक लाइन होती है और इसका जो बिल्कुल थीम है ना ढाबे जैसा है, मतलब काइंड ऑफ बिल्कुल ढाबे जैसा रेस्टोरेंट है, थाई ढाबा। तो अंदर भी पीछे भी बहुत सारी सीटिंग बना रखी है इसे गैरेज के अंदर। यहाँ पे इतनी अच्छी आ रही है ना कि पता चल रहा है कि खाना अच्छा है। हाँ, अभी खा के बताएंगे कैसा है। वो बेस्ट बेस्ट बोल रहे हैं, ये मेन्यू इसका ये रहा, ठीक है, जाली सा एक पेपर। और जाली सा नहीं है भाई, उसका प्रोडक्ट देखो ना। अच्छा ठीक है, शार्क टैंक, शार्क टैंक। अगर मेरी एक्सपर्टीज नहीं हुई मैं आउट हो जाऊंगा इसमें से। कितना सस्ता है, $15 का बच गया आज। मैंने इतना फैंसी सा रेस्टोरेंट किया था, मैंने कहा आज तो भाई हमारे लग जाएंगे, बट कोई बात नहीं, ऐसे प्यार में सोचते नहीं है। $15 सस्ते में मस्त मजा आएगा भाई, यहाँ तो मजे आ गए। भाई इसके अंदर जो मैं खाता हूँ एक भी चीज़ नहीं है, और वानी को जो खाना है वो है इसके अंदर, है ना, मेरा नहीं है इसके अंदर। मेरा तो सब है इसमें, सैमन है, कैलमारी है, टॉम यम सूप है, सीफूड है, मेरा सब है। तो भाई मेरे को ना थाई में एक दो ही चीज़ें पसंद है ऑनेस्टली, ठीक है, मतलब चार पांच पसंद है, उनमें से कुछ भी नहीं था, ना ग्रीन करी है, ना येलो करी है, ना रेड करी है, येलो करी पता नहीं होती है कि नहीं। हाँ, ये लोग क्या दे रहे हैं, पैड खीमा भी नहीं है, पैड थाई भी नहीं है, पैड सीयू भी नहीं है, तो इतनी सारी चीजें नहीं है जो मैं खाता हूँ। बोलने से ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है। इन्होंने सी फूड दिया है जो कि ऑथेंटिक थाई फूड है और ये लोग वही खाते हैं। इन्होंने सी फूड में इतनी वैरायटीज दी हैं कि मेरे लिए कुछ बनाया नहीं। ग्रिल कर लो, ग्रिल्ड सी फूड में इतना सब कुछ है, उसमें सूप तो मेरा है ही वही टॉम यम जो है इनका क्लासिक। बट अगेन अब यार पैट थाई वगैरह हम हमेशा खाते हैं, तो भाई मेरे को नहीं खाना, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को टेस्ट नहीं करना है। ऐसे होता है ना जब भूख लगती है आप लोगों को, कुछ नया टेस्ट नहीं करना। चलो अब रो मत, भूख लग रही है। वानी को इतना बंधन है खाने का, चलो नेक्स्ट टाइम लेके आऊंगा पक्का। तो भाई हम लोग फाइनली अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे आ गए इन दी एंड, ठीक है, डिलीशियस, जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, क्योंकि मेरे को लग रही बहुत तेज भूख। हम लोग अभी गए थे यूनिवर्सल, ठीक है, मतलब हम वो हमने एंड ऑप्शन रखी थी, कुछ नहीं बना वहाँ चले जाएंगे। भाई 1 किलोमीटर लंबी लाइन, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, और मेरा ना दिल में ना मन कर रहा था कि मेरे को डिलीशियस ही खाना है, पर मैंने ना तुषार को बोला नहीं कि मेरे को डांट पड़ेगी कि मैं हमेशा थाई खाती हूँ, और एंड में देखो हम कहाँ आए हैं थाई। और ये मैंने नहीं किया है, खुद हुआ है, हमारी जब बुकिंग थी वहाँ हम गए नहीं, हम लोग लेट हो गए क्योंकि तुषार की वीडियो एडिट हुई थी, और फिर मैंने सोचा जब तक तुषार वीडियो एडिट कर रहा है तब तक मेरी ना एक क्विज पेंडिंग थी। तो चलो वो सारी बातें कभी खाना खा के करें। नहीं बताओ ना, खाना थाई डिशेस खाने, और मेरे को कोई फ्लावर्स नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। तो वानी बेटा तेज बोलो, सुंदर क्या क्या प्रॉन फिशेस ऑक्टोपस। तो भाई वानी खा लेती है सब कुछ, ऑक्टोपस प्रॉन और क्या है सी फूड जो भी होता है ना, इसको बड़ा अच्छा लगता है इसको। मेरे को मैं तो देख के ऐसे हो जाता है, मेरी शक्ल बन जाती है, मैं ना प्रॉन्स तक सीमित हूँ, ठीक है, बट उससे ज़्यादा मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना बेटा कभी भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और क्या वानी का ना गुस्सा रहा है, दो ही प्रॉन डाले गए, चार होते हैं, मैं शायद दो क्यों हैं। तो भाई एक फन फैक्ट, जैसे इंडिया में हम बोलते हैं ना भाई भैया बाय है नहीं, तो एक फन फैक्ट, जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना भैया ये पैक कर दो, ये हमने नहीं खाई, तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को ना ऐसे कंटेनर दे देते हैं। तो किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप नए भी आ रहे हो, या इसको पैक कर दो, इसको पैक कर दो, या इसको पार्सल कर दो, हाँ ऑक्टोपस ऑक्टोपस ठीक है, इसको पैक कर दो, तो वो आप लेके आपके लिए कंटेनर लाएंगे, आपको खुद ही डालना होगा। ये ऐसा शुरू से पता नहीं रिवाज ही चल रहा है, बट हम भी वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, क्या करें, बस मानी बस। तो भाई अब हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है, वैलेंटाइन हमारा खराब कैसे हुआ। मैंने ना ऑलरेडी दो रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे बुक कर दिए, ठीक है, सुबह सुबह जिम से जैसे ही मैं घर आया मैंने बुक कर दिए रेस्टोरेंट, क्या वो अच्छे से कैफे थे, जैसे वाटर साइड, बिल्कुल प्यार भरा मौसम हुआ है ना, ऐसे वैलेंटाइन वाली वाइब वाला, वो मैंने बुक कर दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गया था, ठीक है, फिर उसके मैंने को ना फ्लावर्स वगैरह लेके आने थे, उतनी देर में मानी का आने का टाइम हो गया, मैं उसको पिक करके लाया, और इतनी क्यूट सी पीछे डिक्की पे देख रहे, कुछ पड़ा तो नहीं, मतलब ऐसे पीछे वाली सीट पे कुछ पड़ा तो नहीं ऐसे करके, और उसने मेरे से सुशियां मंगाई थी, तो हमने के खा ली थी, वो भी नहीं लेके आया, वो भी नहीं लेके आया था मैं, क्योंकि आलसी था ना भाई, सुशी वगैरह फिर हम लोगों ने खाई, ठंड लग रही है। उसके बाद भाई हम लोग घर आए और वानी कहती मेरी ना आज एक क्विज पेंडिंग है, मैंने कहा ठीक है भाई, 3 से 4 घंटे लगा दिए इसने करने में, ठीक है, 3 से 4 घंटे इसने, सही दिख रहा है ना, हम लोग 3 से 4 घंटे से करने में लगा दिए क्विज। क्विज करते करते ना मैंने कहा मैं भी ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ भाई, मैं पूरा तैयार शार होकर बैठा हूँ, वानी भी तैयार शार होकर बैठी है कि हम जैसे खत्म होगा निकल लेंगे पढ़ाई। भाई ऑस्ट्रेलिया में मतलब जैसे हम स्टूडेंट है ना, तो कोई फेस्टिवल मतलब स्टार्टिंग में तो आप लोग भूल ही जाओ, मेरे को याद भी नहीं था आज वैलेंटाइंस डे है, मैं तो काम पे थी ना, तो एक दूसरे को विश कर रहे थे, तो मुझे याद है। मेरे को ना मैं आप लोगों को पुराना अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जैसे मैं जब मैं पहले का टाइम जब ठीक है आया था 2020 में, हाँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराने का टाइम, पुराना टाइम जब एक बार ना दिवाली थी और
ऐसे ही था, ठीक है, मतलब मेरी शिफ्ट थी और मैं इतना दो उदास हो गया कि भाई मैं डोमिनोज में बर्तन धो रहा हूँ। अब बोलोगे भाई डोमिनोज में कार्डबोर्ड में पिज्जा आते हैं, बर्तन थोड़ी होते हैं, तो वही बनता है, तो वही जो लिड्स रखी होती है ना वहाँ पे जिसके अंदर वेजीज होती है वो सारे धोने होते हैं, तो मैं वो धो रहा। और फिर मेरे को पुराना टाइम याद आ गई, भाई हम लोग पूजा करते थे, बम पटाखे फोड़ते थे ना, ऐसे फोड़ने तो नहीं चाहिए पोल्यूशन, बट बहुत सारी चीजें पूरे घर की याद आने लग गई थी। फिर ऐसे एक आध बारी न्यू ईयर पे भी हुआ था मेरे साथ कि भाई मेरी शिफ्ट थी और डोमिनोज ना जैसे ऐसे रात को वीकेंड्स पे 1 बजे बंद हुआ करता था, ठीक है, शायद अभी भी होता है, नहीं 12 बजे बंद होता, 12:30 हम लोगों को निकलने में लग जाते थे। तो ये जब पूरा स्टोर क्लीन करना, ये सब जब आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट होते हो ना तो ये सारी चीज़ आप लोग भूल जाते हो, सिर्फ काम मेहनत पढ़ाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वानी भैया थोड़ी सी उदास होगी बट मैंने उसको सॉरी बोल दिया, बट वानी कहती है मेरे पेपर था, मेरा क्विज था, मैं क्या करूँ। मैं तुम्हें गुस्सा थोड़ी हो रहा हूँ, कोई बात नहीं, हम लोग नहीं पहुंचे, हम लोग अपनी बुक जगह पे, बट हम लोग साथ हैं। और रही फ्लावर्स की बात, है ना, फ्लावर्स की बात रही, फ्लावर्स फ्लावर्स फूल, तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ वानी को, है ना, फ्लावर्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है भाई, मैं वानी को ऐसे ही गिफ्ट वगैरह, ये मेरे को गिफ्ट वगैरह ऐसे ही देती रहती है, ठीक है। हम लोग इतना सोचते नहीं कि भाई वैलेंटाइन डे आज तो पूरा प्यार करना है, भले कल से लड़ ले हम, भी नहीं था टू बी ऑनेस्ट वैलेंटाइन डे का, नॉर्मल है मतलब। भाई प्यार से पूरे साल वैलेंटाइन मनाओ, प्यार से रहो, मस्त अपना खुशियां बांटो, अपना खुश रहो, है ना, मस्त ब्लॉग ब्लॉग डालो। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देना, अच्छे से सब्सक्राइब कर देना, हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, लव फ्रॉम वैलेंटाइन डे। कुछ और बोलना है, गर्लफ्रेंड कुछ कह रही थी। और हाँ ये जो आज मैंने इतनी ये पहने ना ऐसे कपड़े, हाँ, इतने चटक, क्योंकि हमारा प्लान था वो रेस्टोरेंट पे जाने का, उसकी मैंने 9 बजे की बुकिंग थी, तो 7:30 की थी, तो फिर 7:30 के बाद ना मैंने बुकिंग ली उसकी, वानी कहती नहीं हो पाएगा 7:30 तक, मेरा क्विज है, मैंने 9 बजे की ले ली, वहाँ से मैसेज आ गया, रुक जो मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ, ठीक है, कि किचन इज क्लोज, ये साइड मतलब साइड में देख लो, ठीक है, स्क्रीन पे कि किचन उसकी बंद हो रही है 9 बजे, और मैंने 9 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी, अपॉइंटमेंट नहीं बुकिंग, और हम लोग वहाँ पे पहुंचने वाले थे ऑलमोस्ट, और ना फिर तो गाड़ी में गलत टर्न ले लिया, लिंडर स्ट्रीट के बाद ना वहाँ पे एक जगह पे रोड बंद थी, तो घूमने फिरने में 9 से टप ही गया, भले अगर 2 मिनट पहले ही पहुंच जाते ना वो हमारे लिए कर देते, मेरे को पता है दिल दे रहे, बट अब नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हम लोग। तो अगर आप लोग वीडियो इतनी चलेगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर देना, होप आप लोगों का वैलेंटाइंस डे अच्छा गया हो, एंड हाँ होप आप लोगों का वैलेंटाइंस डे अच्छा गया हो, जो सिंगल लोग थे भाई लगे रहो, कोशिश करते रहो, बन जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड भी, तो लव फ्रॉम मेलबर्न। गाड़ी भी अंदर रखनी है, ठंड लग रही है इसको आने का।